एलियन। आज के समय में एलियन बहुत ही प्रचलित शब्द है। शायद आप जानते होंगे कि एलियन क्या है, फिर भी एलियन दूसरी दुनिया के जीव है जो अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं। आए दिन हमें टीवी न्यूज चैनल पे देखने को मिलता है कि उस जगह पर एलियन को देखा गया है, या फिर किसी जगह यूएफओ जिसमें एलियन ट्रेवल करके आते को देखा गया है। क्या ये कोई रियल घटना है या फिर कोई अफवाह? क्या आपने कभी सोचा है कि एलियन असल में है या फिर नहीं? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कोई है? अगर है तो वह कहाँ है? मैं हूँ रवि और आप देख रहे हो सुपर नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि क्या एलियन अर्थ पे आ चुके हैं या अभी तक नहीं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर व साइंटिस्ट की माने तो अभी तक कोई भी एलियन अर्थ पे नहीं आया है। उनका कहना है कि अगर कोई एलियन या फिर यूएफओ अर्थ पे प्रवेश करता है तो वो हमारे इंटरनेशनल सैटेलाइट से नहीं छुप पाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर गया है, और उससे निकलने वाली तरंगे हमारा रडार सिस्टम कैच कर हमें सूचना दे देगा। और अगर कोई यूएफओ अर्थ पर आता है तो वो हमारी सैटेलाइट द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। हमें ऐसा कोई भी सिग्नल अब तक नहीं मिला है। इसका मतलब है कि अभी तक कोई भी एलियन या यूएफओ अर्थ पर नहीं आया है। तो अब तक ही टीवी पे देखी जाने वाली घटनाएं फेक है या फिर कोई अफवाह है? यस, महज ये सिर्फ एक अफवाह है जिनका रियल घटना से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सब बातें हम सिर्फ साइंटिफिक तौर पर कह रहे हैं, साइंटिस्ट का यही कहना है। तो क्या एलियन है या नहीं? इसका जवाब है हाँ। इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले तो नहीं हो सकते। किसी प्लेनेट पे जीवन होने के लिए मुख्य रूप से ये तीन चीज़ें आवश्यक ही है, जल, कार्बन और डीएनए। अभी हाल ही में इसरो ने चांद पर ठोस रूप में जल को ढूंढ निकाला है, जिससे ये पता चलता है कि इंसान फ्यूचर में चांद पर रह पाएगा। वहाँ डीएनए की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डीएनए से किसी जीव का निर्माण होता है। तो मनुष्य खुद ही अर्थ से जाएगा तो वहाँ पर दूसरी किसी जीव की आवश्यकता नहीं है। और रही बात कार्बन की, तो कार्बन अर्थ से ले जाया जाएगा। सॉरी, हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में जहाँ पर लाखों की तादाद में गैलेक्सीज हैं, वहाँ पर अर्थ जैसे कई प्लेनेट होंगे जहाँ पर जीवन के लिए ये तीनों उपयोगी चीज़ें होगी, जहाँ पर हमारे जैसे ही नहीं हमारे से भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताएं होगी। उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी की तुलना में कई गुना एडवांस होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लेनेट पर इन तीनों चीज़ों के न होने पर भी जीवन हो, वह अपने आप को किसी अन्य फॉर्म में जीवित रखे हुए हो। शायद वो माइक्रो लाइफ जीते हो जिसकी समझ हमारी वैज्ञानिक के पास नहीं हो, लेकिन ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमारे सबसे पास दूसरे नंबर का तारा भी हमसे बहुत दूर है। हम उस तारे पर प्रकाश की चाल यानी लाइट स्पीड से भी जाना चाहे तो भी हमें 400 साल का समय लग जाएगा। इसका मतलब हम तो ऐसे प्लेनेट को ढूंढने नहीं जा सकते जिसपे जीवन हो। क्या एलियन भी हमें ढूंढ रहे होंगे? वो भी अन्य सभ्यताओं को ढूंढने में लगे हुए होंगे। शायद वो अन्य सभ्यताओं से मिल भी चुके होंगे। यदि कोई एलियन सभ्यता उनके प्लेनेट से टेलीस्कोप के द्वारा हमें देख भी ले और वह हमारे प्लेनेट पे आना भी चाहे, और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो और वह लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर सके, फिर भी उन्हें हमारे तक आने में हजारों सालों का समय लग जाएगा। फिर भी अगर वो अर्थ पर आते तो उनके लिए तो कुछ हजार साल ही बीतेंगे, लेकिन अर्थ पर लाखों साल गुजर चुके होंगे। शायद अर्थ ही नष्ट हो चुकी होगी। ये समय में इतना बड़ा अंतर कैसे? ये जानने के लिए आप हमारे टाइम डायलेशन वाले वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर कोने में दिए हुए आई कार्ड्स बटन पर भी मिल जाएगा। एलियन लाइट स्पीड से तेज नहीं चल सकते, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी कितनी भी हाई क्यों न हो, वो हमारे फिजिक्स रोल को नहीं तोड़ सकते। इतने एडवांस एलियन जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके, उनकी तुलना में तो हम आदिवासियों की बराबर है। तो वे अपना इतना ज़्यादा समय बर्बाद कर हम तक क्यों आएंगे? इसीलिए शायद एलियंस हमें ढूंढ भी चुके हो लेकिन वो फिर भी हम तक नहीं आते। इस बात को साइंटिस्ट ने कभी नकारा नहीं है कि इस यूनिवर्स में हमारे अलावा भी कोई है। जब भी हम कभी एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार की छवि बन जाती है, बड़ा सा सिर, बड़ी सी आंखें और छोटे से हाथ पैर, क्योंकि हमें हमेशा से ही एलियंस की छवि कुछ इस प्रकार की ही दिखाई गई है। लेकिन एलियन किसी भी प्रकार का और किसी भी आकृति का हो सकता है, जैसा कि हमें हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए जाते हैं। एरिया 51, ये क्या है? शायद आपने सुना होगा कि एरिया 51 एक जगह का नाम है जो अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर एलियंस को रखा जाता है, यहाँ पर यूएफओ लैंड होते हैं,
और यहाँ पर एलियंस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। इस जगह को इतना खुफिया रखा जाता है कि किसी भी आम आदमी को यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। अगर मैं आपको इस वीडियो में एरिया 51 के बारे में बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको ये वीडियो बोरिंग लगने लगेगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एरिया 51 पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको एरिया 51 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, और अगर आपको हमारा चैनल कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो अपकमिंग है।